डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। संजय भैया आप थे नहीं जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सब कवियों का सम्मान किया। मैंने पहली बार उन्हें किसी का सम्मान करते देखा है। दरअसल क्या है साहब, मैं बताऊं, वो आदरणीय अंबर जी को बहुत चिंता थी कि वे जाएं तो कुछ काम हो। उन्हें क्या पता कि वो जब तक यहां थे तभी तक काम हो रहा था। कुमार भाई ने शुरू में ही कहा था कि जब कोई अरविंद के खिलाफ कविता पढ़ेगा तो कविता की, कवि सम्मेलन की सफलता होगी। मैं इस कवि सम्मेलन को सफल करना चाहता हूं। भाई बहुत अच्छा चिराग, वाह 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 वाह। दरअसल क्या है साहब, मैं बताऊं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। जब वे विधानसभा में बोलते हैं तो मैं अक्सर सुनता हूं उन्हें। टेलीविजन पर आता है, मेरे घर में है, तो मैं सुनता हूं साहब उन्हें। पिछले दिनों जब विधायकों के वो वेतन बढ़ रहे थे तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर, मैं बारीक बातें कर रहा हूं, अब जुड़ना जरा मुझसे, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर विधायकों का वेतन बढ़वाया, अच्छी बात है। साथ ही साथ उनको लगा भाजपा ही पकड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का भी बढ़े। ये सुन के मोदी जी भड़क गए और बड़े क्रोध में उन्होंने फोन करके अरविंद जी को कहा कि तुम मेरे वेतन की चिंता मत करो, मेरा तो यात्रा भत्ता भी तुम्हारे वेतन से ज्यादा बैठ जाता है। अच्छा है भाई, अच्छा है। अच्छा, पिछले दिनों वो देश में हंगामा मचा, असहिष्णुता है, असहिष्णुता है। तो आदरणीय प्रमोद जी पत्रकार हैं, जब कविता नहीं सुनाते तो पत्रकारिता कर रहे होते हैं। इन्होंने मोदी जी से सीधे प्रश्न कर लिया कि मोदी जी, देश भर में हंगामा मचा हुआ है कि देश का माहौल खराब है, देश के माहौल पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, अगर मजा आ जाए तो मेरी थकान उतारने वाली तालियां एक बार बजा देना। इन्होंने पूछा, मोदी जी देश का माहौल खराब है, देश के माहौल पर आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी बोले, देश का माहौल अच्छा होता तो मैं भी देश में क्यों घूमता। अच्छा है भाई, वाह 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 चिराग। राजनीति बहुत अच्छे से चल रही है साहब। मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर वैलेंटाइन डे की बधाई देता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए। वाह। कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए, वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए। वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए। और कुमार भाई संभालिएगा ये दो पंक्तियां कि वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए, और इबादत वो कि रब बंदे का दीवाना बना भटके। वाह 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 वाह। इबादत वो चिराग जी वाह, कि रब बंदे का दीवाना बना भटके, और मोहब्बत वो कि आशिक से खुदा को इश्क हो जाए। मोहब्बत वो कि आशिक से खुदा को इश्क हो जाए। बहुत अच्छा भैया। ये बातें मैं पहले लिखता था, 2 साल पहले मेरी शादी हो गई। फिर मैंने ऐसी बातें करना बंद कर दिया। मुझे आज इस सभागार में आकर डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लग रहा है। एक युग के बाद मैं एक ऐसा सभागार देख रहा हूं जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है।
बीच में देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, बीच में तो संजय भैया इतनी खराब हो गई थी कि राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक कहीं चले जाओ औरतें ही औरतें भरी मिलती थी। आदमी ऐसे किनारे लगा होता था जैसे आज ये माइक वाले लगे हुए हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी हूं साहब, मैंने शोध किया और शोध करके एक ऐसा विभाग ढूंढ के निकाला जिसमें दावे के साथ कह सकता हूं आपने कभी किसी महिला को काम करते नहीं देखा होगा। उसमें तकनीकी समस्या है, उस विभाग में कभी कोई महिला काम कर ही नहीं सकती। उसका नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। ये सिर्फ वे तालियां बजा रहे हैं जिनके घर में लगी हुई है। और मैं ऐसे नहीं बोलता महिलाओं के खिलाफ, मैं तार्किक बोलता हूं भैया। मैंने आपसे ही सीखा है कि जो कुछ गड़बड़ बोलो वो ऐसे ही कह दो, आपसे सीखा है। मैं सच बता रहा हूं साहब, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, बताओ जलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? बोला जी क्योंकि ये टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। अच्छा, और एक बात और आपको बता दूं, दो छोटे छोटे तर्क दूंगा और एक कविता पढ़ूंगा, अपना स्थान ले लूंगा, मैं भी बहुत थक गया हूं। बेसिकली हम लोग जो पुरुष हैं, हम सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, कपिल भैया आप करवा चौथ के दिन देखें, 25 रुपल्ली की मेहंदी लगवा कर आएंगी, पूरे घर में हंगामा, देखिए कैसी लगी है, देखिए बेल बनी के नहीं, देखिए बूटा बना के नहीं। एक हम साहब 2500 रुपए की दारू पीकर आते हैं चुपचाप से। ये है सादा जीवन उच्च विचार। पिछले दिनों डॉक्टर साहब घर आए, मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी थी तो बोले, चिराग तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कि खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाता। अच्छा, कई बार वो ताना देती है, आप लोगों को भी देती होगी, पत्नी के पास एक ही ताना होता है, मुझे तुमसे कोई डंका मिल सकता था, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी, ऐसा कहती है ना। मैं बताऊं, मैंने एक दिन उससे कहा कि देखो सुख दुख स्वर्ग और नरक पे निर्भर नहीं करते, आदमी के भीतर होते हैं। बोली कैसे? मैंने कहा सपोज तुम्हें स्वर्ग में छोड़ दिया जाए, इससे बढ़िया तो जगह नहीं हो सकती, वहां तुम्हारी कोई सहेली मिल जाए, तुम एक ही सवाल करोगी, अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां मुझे डॉक्टर साहब मिल जाए। तो ये मुझसे एक ही सवाल करेंगे, यमराज की बेटी देखी